कुछ संस्कृतियां और मत ईश्वर में सहज विश्वास कर लेना सिखाते हैं। जानते हैं इस तरह से विश्वास करने के लिए किन गुणों की जरूरत है और किन परिस्थितियों में ऐसा विश्वास मुश्किलें पैदा कर सकता है। ईश्वर के बारे में लोगों का नजरिया बहुत ही अलग अलग है। दुनिया में कुछ बेहद शक्तिशाली ताकतें हैं जो विश्वास करती है कि ईश्वर कहीं ऊपर स्वर्ग में है, उनसे मिलने के लिए आपको वहां जाना होगा। एक बार अगर आपको भरोसा हो जाता है कि जीवन का सबसे बेहतर हिस्सा यहां नहीं है बल्कि कहीं और है, तो फिर आप एक खास तरीके से जीने लगते हैं। दुनिया में कुछ ऐसी ताकतें भी है जो देखती है कि सृष्टि अपने स्रोत से अलग हो ही नहीं सकती। अगर इस सृष्टि के सृजन में सृष्टा का हाथ है तो आपको बस इतना स्मार्ट बनना है कि आप उस सृजक यानी कि ईश्वर का हाथ पकड़कर उसे नीचे खींच ले। आप उसका हाथ पकड़कर ऊपर स्वर्ग की ओर मत चले जाइए, बल्कि उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे की ओर खींच लीजिए ताकि वह हम सब लोगों के बीच में रह सके। उसे कोई विकल्प नहीं देना है, उसकी वजह है कि उसने हमें कोई विकल्प नहीं दिया। उसने हमसे नहीं पूछा था कि हम बनना या रचे जाने चाहते हैं या नहीं, तो फिर हमें उससे पूछने की क्या जरूरत है कि वह नीचे आना चाहता है या नहीं। हम जिस संस्कृति से आते हैं उसमें हम उसे कोई विकल्प देने में विश्वास नहीं करते। हमें उसके चेहरे से नकाब हटाना है ताकि वह सृष्टि की आड़ में छिपकर हमारे साथ अजीबोगरीब हरकतें न कर सके। जो शक्ति सृजन यानी कि रचना करती है वह अपनी रचना से गायब नहीं हो सकती, लेकिन वह बड़ी कुशलता से खुद को तब तक छिपाने में कामयाब रहती है जब तक कि आप उसका नकाब हटाने की कोशिश नहीं करते। तो जिसे आप आध्यात्मिक प्रक्रिया कहते हैं वह महज उस ईश्वर पर पड़े पर्दों को हटाना है। बहुत से लोग जीवन के अनेक पलों में या फिर कई लोग अपने पूरे जीवन भर ऐसे जीते हैं मानो वे खुद में ही सब कुछ है। बहुत सारे लोगों के लिए उनका संघर्ष, उनकी समस्याएं, उनकी पीड़ा, उनकी कोशिशें, उनकी चाहत, उनका अकेलापन, जीवन जीने की कड़ी जदोजहद सब कुछ ऐसे हो रहे हैं मानो वे जो है वो अपने ही बलबूते पर है। ऐसे में लोगों को एक विकल्प दिया गया कि वे किसी चीज पर विश्वास कर ले ताकि मनोवैज्ञानिक तौर पर उन्हें राहत मिल सके। ये विकल्प लोगों को एक खास तरह की मजबूती का भाव, तसल्ली, सुनिश्चितता व खास तरह का आत्मविश्वास देता है। लेकिन अफसोस की बात है कि इस विकल्प से थोड़ी मूर्खता भी आती है। किसी की कही हुई बात पर सहजता से आपका विश्वास कर लेना तब तक तो ठीक है जब तक आप दुनिया में किसी जिम्मेदार व शक्तिशाली पद पर नहीं पहुंच जाते। अगर आप महज एक आम इंसान है तो किसी मान्यता पर विश्वास करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप नेतृत्व की भूमिका में हैं और आपको हजारों लोगों का रास्ता दिखाना है तो आपके विश्वास की कीमत मानव जाति को बल्कि इस धरती के हर जीवन को चुकानी पड़ती है। अगर लोगों के पास ये विश्वास तंत्र न होता तो लोग कभी भी अपनी सुविधा के लिए इस दुनिया के टुकड़े टुकड़े करने का दुस्साहस नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि वे भी ईश्वर का ही प्रतिरूप है यानी उन्हें ईश्वर की ही छवि में रचा गया है। इसलिए उन्हें अपने फायदे के लिए जीवन के हर रूप का शोषण करने का पूरा अधिकार है और इसीलिए उन्होंने कई भयानक काम किए हैं। जब आप किसी से मानवता की अपील करते हैं तो आप हमेशा सोचते हैं कि आप उससे सौम्यता, करुणा, प्रेम की अपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मानवता के इतिहास पर सचमुच नजर डालें
तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा। आप जिस मानवता की बात करते हैं, उसने इतनी अधिक ऐसी भयानक चीजें की है जो किसी और जानवर ने, धरती के किसी भी दूसरे जीव ने नहीं की होगी। या तो हमें खुद को कई तरीके से बदलना होगा, या फिर हमें मानवता को फिर से परिभाषित करना होगा कि इसका असली मतलब क्या है। मानवता कोई मनोवैज्ञानिक सुविधा न होकर एक जीता जागता अनुभव होना चाहिए। इसलिए हम सिर्फ कही हुई बात पर विश्वास नहीं करते। अगर आपने पहले इस बात पर गौर नहीं किया है तो आपको बता दें कि ईशा में इसका कोई महत्व नहीं है कि आप किस तरह का अनुभव साझा कर रहे हैं। वहां इसकी कोई परवाह नहीं करता। हम सिर्फ आपके शरीर पर विश्वास करते हैं। आपके मन में क्या होगा या वहां क्या चल रहा है, हम उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते, क्योंकि मन हमेशा पूरी तरह से झूठ बोलता है और आप जैसे चाहे इसे तोड़ मरोड़ या घुमा सकते हैं। कभी कभी यह उपयोगी लगता है, लेकिन जो आपको उपयोगी लगता है कुछ समय बाद वही चीज भयानक लगने लगती है। तो ईश्वर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए आपको स्वर्ग जाना होगा और वही उससे मिलना होगा। नहीं, ईश्वर कोई ऐसी चीज है जिसमें आपको सहज रूप से विश्वास करना होगा। अगर आप खुद का और अपने आसपास की हर चीज का नकाब पूरी तरह से हटा देते हैं तो ईश्वर यही है। दरअसल समस्या उन चीजों की वजह से खड़ी होती है जिन्हें आपने रचा है, न कि उन चीजों की वजह से जिन्हें इस सृष्टि की रचयिता ने रचा है। धन्यवाद।